Myself, Faisal Iqbal, brand ambassador of ISE, and I'm a gold medalist, national level Urdu debater, three-time gold medalist. I've won three-time continuously All-Pakistan debating competitions in 2016, 15, and 17. And I'm also a motivational speaker, authorized motivational speaker of HEC Smart Universities, and also working for a private organization, SPRF consultant, and it's going to consult someone with anything. And I'm also a brand ambassador of ISC, or I'm also UETN. मैं UETN हूँ, तो इसलिए आप लोगों की सिचुएशन को अच्छी तरह समझते हुए चीज़ें लेके चलूँगा आगे. और ये UET की तारीख में पहली दफ़ा कोई शख्स ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट हुआ, और 2019 में मैं ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट हुआ, और लाहौर की तारीख में और UET की तारीख में पहली बार किसी को नोबल एम्बेसडर अवार्ड मिला. मुझे दो दफ़ा नोबल एम्बेसडर अवार्ड मिला इस चीज़ का. और आई एम आल्सो एम्बेसडर ऑफ पाक चाइना ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, और ये दो साल से हूँ मैं इसका पाक चाइना ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का एम्बेसडर. और न्यूज़ एंकर, एज ए न्यूज़ एंकर काम कर रहा हूँ मैं. पहले किया सिटी लाइफ न्यूज़ में, और उसके बाद रॉयल न्यूज़ में, फिर KN न्यूज़ में, कोहिनूर न्यूज़ में, और किस्मत के थपेड़ों की वजह से, वक्त की किल्लत की वजह से छोड़ना पड़ा, फिर मूव ऑन करना आ गया. और अब सेवन न्यूज़ ज्वाइन किया, मगर MA साइन करने वाला रहता है, वो वक्त के हिसाब से देखेंगे, अगर टाइम मिला तो एडजस्टमेंट कर लूँगा उसके में. और उसके अलावा एक बुक पब्लिश की गई थी मेरी लाइफ के बारे में, गरीबुल्ला गाजी इसके वो हैं मुसन्निफ, और ये थी बुक का नाम किरदार मेरे शहर के, और इसमें उन्होंने लाइफ के इंट्रोडक्शन मेरी लाइफ की बुनियाद से लेके एंड तक की गई थी पब्लिश इसमें. और चलें, आई थिंक इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा हो गया, स्टार्ट करते हैं. अब हमारे माशरे का अलमिया क्या है, सिचुएशंस क्या होती हैं हमारे साथ, डीलिंग्स कैसे करनी है, ये तमाम चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे. मसला पता क्या, यूनिवर्सिटी में आने वाले स्टूडेंट्स का बिल्कुल फ्री होकर बैठे, इजीली हो गए, मतलब कि बिल्कुल डिस्कशन सिंपल चलेगी, और आप लोगों के आपके उन सवालात के जवाब मिलेंगे जो आप बचपन से सोचते आ रहे हैं, यार ये लाइफ में क्यों है, मेरे साथ क्यों है, ऐसी चीज़ें क्यों हैं. हमारे यहाँ UET में ये होता है कि हर शख्स इंजीनियरिंग में आने वाला शख्स अपनी ख्वाहिश से नहीं, किस्मत के थपेड़ों से आता है 80%, बाकी 20% तो ख्वाहिश से आ गए, 80% किस्मत के थपेड़ों से आता है. आता तो इंजीनियरिंग में है, सोचते हैं यार मैंने मैकेनिकल में जाना था, मैंने इलेक्ट्रिकल में जाना था, मैं इसमें आ गया हूँ, केमिकल में आ गया हूँ, ये आ गया हूँ. ये बड़ी कॉमन सा फैक्ट है हम सब लोगों के अंदर. UET में आने वाला हर शख्स एक साल इसी तरह गुजार देता है, यार नहीं मैंने, मेरी फील्ड ही नहीं है ये नहीं है. तो ये चीज़ें ना हमारी लाइफ को ना फर्दर स्ट्रेस डिवेलप करती रहेंगी हमारी लाइफ में, कि यार मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, ये क्यों हो गया मेरे साथ. और ये वो चीज़ें हैं सवाल जिनका जवाब हम वक्त से पहले चाहते हैं. इंसान है, ह्यूमन बींग है, उसमें लाइफ में ना ये चीज़ें होती हैं कि कुछ वो सवाल होते हैं, हर सवाल का जवाब अभी चाहता है, मगर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब वक्त खुद देता है हमें आगे, हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता, मगर उनके सवालों के जवाब वक्त खुद देगा. मैं आपको एक कॉमन सी बात बताता हूँ, एग्जाम्पल से लिए चलते हैं. एक ये यूरोपियन का वाक़ है, एक औरत, एक लड़की अपनी सुबह सुबह उठती है और अपनी माँ से पूछती है कि मम्मा आज खाने में क्या बनाया हुआ है. तो वो कहती हैं कि भाई मैंने ब्रेड एंड बटर बनाया हुआ है. तो वो बड़ा नाराज़ होती है, कह रही मैंने तो फ्रेंच खाना था, आपने ये क्यों बनाया. वो गुस्से से नाराज़ होकर ना चली जाती है, क्योंकि ऑफिस से जाना होता है, बाय ट्रेन जाती है और निकल जाती है. अब स्टेशन पे बैठी हुई होती है, ट्रेन का इंतज़ार कर रही होती है, इसी सिचुएशन में बैठे बैठे उसे एहसास होता है कि मेरी लड़ाई मेरी अम्मी से है, खाने से तो नहीं है, तो क्यों ना कुछ खा लूँ मैं. तो इसी अस्ना में वो सामने टक शॉप होती है, टक शॉप पर जाती है और एक बिस्किट का पैकेट खरीद के ले आती है. अब वो बिस्किट का पैकेट खरीद के ले के स्टूल पर बैठी होती है अपने बेंच पर, और सोचती है कि मैं बिस्किट का पैकेट खाऊंगी, क्यों ना मैं थोड़ा अपने बोतल में पानी भर लाऊं. वो वाटर कूलर के पास जाती है और उसमें पानी भर के लाती है, तो देखती क्या उसी बेंच पे एक लड़का बैठा हुआ होता है, उसी का बिस्किट बड़े आराम से खा रहा होता है. उसे बड़ा शदीद गुस्सा आता है देख के. पहले तो वो घर से वैसे ही लड़के आई होती है, यू नो कि सिचुएशन इस तरह हुई होती है, और उसके बाद उसे बड़ा गुस्सा आता है. फिर वो कहती है मुझे गुस्सा एतराज़ इस बात पर नहीं कि मेरा बिस्किट खा रहा है, एतराज़ तो इस बात पर बड़े मज़े लेके खा रहा है. अच्छा, उसे बड़ा गुस्सा आता है शदीद. अब वो ये सोचती हुई उसी के पास गुस्से में आगे उसके पास बैठ जाती है, जिस तरह लड़कियों की आदत होती है गुस्से से देखना, उसे मुसलसल देखती रहती है. अब वो उसे लड़के को हैरत होती है, वो कहते हैं बाजी आप भी ले लें एक. अच्छा, वो कहती चले. वो एक बिस्किट उठाती है और खाने लग जाती है. मैम आप भी ले लें. अच्छा, तो अब वो इसी असना में एक एक लिए चलते हैं, आखिर में होता क्या, सिर्फ एक बिस्किट रह जाता है पीछे. अब वो दोनों सोच रहे होते हैं कि मैं लूँगा वो, घर मैं लूँगा. फिर क्या करता है लड़का, जल्दी से हाथ बढ़ाता है आगे, दो टुकड़े करता है, आधा उसे देता है, आधा खुद खाता है, हाथ साफ़ करता है और उठ के चला जाता है. उसे बड़ा गुस्सा आता है इस बात पे, पूरे वाक्य पे. अब वो ये सोचते हुए इतने में ट्रेन आ जाती है, ट्रेन में बैठती है, वो जाके ट्रेन में बैठती है और उसे ख्याल आता है, जैसे लड़कियों का बड़ा कॉमन सा ख्याल है कि कुछ चीज़ खाइए, लिपस्टिक तो नहीं ख़राब होगी. वो बैग खोलती है
और लिपस्टिक निकालने के लिए जब देखती है वही बिस्किट का पैकेट उसके अंदर पड़ा हुआ होता है। तो अब इससे बात का अक्स क्या था, इससे बात का मकसद ये था कि हम अब देखें वो सिचुएशन क्या थी, वो सिचुएशन थी शुक्र अदा करने की। हमने वक्त ही हम बड़े जजमेंटल हो जाते हैं, नहीं यार ये बस ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, नहीं 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 यार सिचुएशन को सोचो, देखो कि क्यों हो रहा है। अगर वो सिचुएशन थी प्रॉपर डील करती, इनके ट्रेन वाला वाक्य उसकी लाइफ से गुजर रहा है कैसे, अगर वो सोचती नहीं ये मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मैं फ्री में खा, वो फ्री मेरी थी, मगर उसने वो सिचुएशन वो मज़ा सारा उस वक्त ख़राब कर दिया वक्त का, पहले लेने से पहले इसने मेरा क्यों ले लिया, इसने मेरा बिस्किट क्यों खा रहा है, ये मेरा बिस्किट क्यों खा रहा है, इसने क्यों किया इसने। हम तमाम सवालों के जवाब पहले लेना चाहते हैं। अब ये इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग की फील्ड में लोग आ गए, वो कहते हैं कि यार देखो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ हुआ है। मैं अपना वाक्य सुनाता हूँ, मैंने पहले जब अप्लाई किया मेरे नस्ट में हुआ, मुझे यूईटी का बड़ा क्रेज़ था, नस्ट में मैकेनिकल में चला गया, 152 मेरे मार्क्स थे और मैकेनिकल में चला गया नस्ट में, मुझे यूईटी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, यूईटी जाना है, यूईटी जाना है। अब मैं फिर इस तरह हुआ कि मुझे खबर मिली कि मेरा यूईटी में एडमिशन हो गया, मैंने नस्ट को छोड़ा, यूईटी आ गया, आधी फीस भी कुर्बान की, सब कुछ कुर्बान करने के बाद यूईटी आ गया। अब मसला पता क्या हमारा, हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी ये फील्ड नहीं है, हमें इलेक्ट्रिकल में जाना था, हमें मैकेनिकल में जाना था, हमें केमिकल में जाना था। इतने जजमेंटल ना बने, आप लोग स्पेसिफिक फील्ड दो हैं, मेडिकल में जाएं या इंजीनियरिंग में जाएं। इंजीनियरिंग में डेवलपमेंट है हर चीज़ में, आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे केमिकल में इंटरेस्ट नहीं है। मसला पता है यहाँ क्या आता है, हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं मेरा केमिकल में इंटरेस्ट नहीं है, अभी आप लोगों को तो आगाज़ है। बाज़ लड़के अभी तक या फाइनल ईयर में भी ऐसे बैठे हैं जो एंड तक कहते रहते हैं यार हमारे इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, हमारे इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है। तो उससे होता क्या है, उससे होता उसी लड़की की तरह, वो तमाम के तमाम ये चार साल तो गुजार लेंगे मगर वो रोते हुए, मगर बाद में जाके एहसास होगा जब उसी की फील्ड के लड़के हाई टॉप लेवल की जॉब्स पे बैठे होंगे ना, जिन्होंने उस वक्त सोचा यार ये शायद तो मेरे लिए ठीक है, उसी को सोचते हुए आगे लेकर गए और वो अच्छी फील्ड पे बैठे होंगे, वो सोचेंगे यार ये तो मेरे साथ बुरा हुआ है, मगर वक्त गुजर गया, क्योंकि वक्त हर एक पहलू हर एक चीज़ें गुजरती जा रही है मुसलसल चीज़ों के साथ। अब वो एक बड़ी मशहूर बात बताने जा रहा था आपको, वो पंजाबी आपने वाक्य सुना हुआ है, छोटा सा डायलॉग है पंजाबी, लाइफ के बारे में वो कहता है, वो कहता है कि लाइफ गुजर जानी है, हमें पता है हमने सब ने यहाँ से उठ के मौत के बाद ख़त्म हो जाएगा, सब चला जाएगा, यानी कि दूसरी ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप लाइफ गुजारते कैसे हो, हंसते हुए जाना उसी रास्ते से है, दो लोग हैं वो उसी रास्ते से गुजर रहे हैं, हंसते हुए गुजर जाएंगे तो लाइफ बड़ी ईजी सिंपल सुकून से गुजरेगी, रोते हुए चले जाओगे जाना एक से पॉइंट सेम है हमारा सबने, मैं भी वहाँ जाऊँगा आप भी वहाँ जाएंगे, अब डिपेंड आप पे करता है। अभी चार साल हैं, चाहे सारी उम्र इस बात का रोते हुए गुजार दो कि यार मुझे मेरी फील्ड नहीं है, मेरी नहीं है, नहीं है, नहीं है, चार साल गुजर जाएंगे, अब सिचुएशन पे आप पे डिपेंड करते हैं चार साल गुजारे कैसे आपने। ये चार साल की इंजीनियरिंग लाइफ के बाद दोबारा कोई एमएस भी कर लो, वो स्टूडेंट लाइफ वो नहीं रहेगी दूसरी, ये वो है जहाँ आपको सीखने के मौके मिल रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें आप सीख रहे हैं। तो बाद लोग इसी तरह रोते रोते गुजारते रहते, वो एक बुक है ऑथर का नाम भूल गया, 5 Regrets of Dying, ये एक फीमेल ऑथर थी, उसने लिखा हुआ है कि मरते हुए जो लोगों के 5 रिग्रेट्स होते हैं वो क्या थे। ये आपने सुना होगा 9/11 वाला वाक्य, 9/11 वाला, ये तारीख का सबसे बड़ा मतलब कि जंग अजीम दोम और अव्वल के बाद जो वाक्य गिना जाते हैं डेथ हुई है लोगों की, तो इसे कंसीडर किया जाता है ला के। तो उस वक्त जब उन्होंने उसके सामने एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है, उन्होंने 9/11 की जो बिल्डिंग है ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, उसके सामने एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है, उस म्यूज़ियम में क्या रखा हुआ है, उस म्यूज़ियम में उन्होंने वॉइस रिकॉर्ड करके रखी हुई है लोगों की, उस वॉइस में क्या है, वो उनकी आखिरी फ़ोन कॉल्स उन 9/11 वाले लोगों की, उन्हें पता था कि ऊपर से बिल्डिंग काफ़ी बड़ी थी, ऊपर जो प्लेन लगा उसमें तो बिल्डिंग में धमाका शुरू हुआ, तो उन्हें पता था हम बचने वाले नहीं हैं, तो उनकी आखिरी फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड की गई थी। उस आखिरी फ़ोन कॉल में क्या था, लोग अपने घर वालों को उनको फ़ोन के, काश के मैं ऐसे कर लेता, काश के अगर मैं वहाँ ना गया होता, काश के मैं उससे ये बात कह देता कि मैं उससे कि कितनी मोहब्बत करता हूँ, काश के मैं कह देता अपने माँ बाप को मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, यानी कि वो तमाम काश उस वक्त समेटे हुए थे। आप अपनी लाइफ में इमेजिन कर लें ये कि जब लाइफ ख़त्म होने वाली होती है ना इंसान, तो बेबस होता है, बूढ़ा हुआ बैठा होता है, बिस्तर मर्ग पर बैठा हुआ होता है बेबस होकर, तो वो कहता है कि यार काश कि अगर मैं लाइफ को सिचुएशन दूसरे एंगल से लेता, मैं एक्सेप्ट कर लेता, हम चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते, हमारा जो आज का मेन टॉपिक था हाउ टू एक्सेप्ट थिंग्स, जो लाइफ में चीज़ें हो रही हैं हम एक्सेप्ट नहीं करते उन्हें, सारी उम्र उसके अगेंस्ट चलते रहते हैं, नहीं यार नहीं 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 नहीं। वो कहता है कि काश कि अगर मैं चीज़ें एक्सेप्ट कर लेता तो बड़ी मज़े की लाइफ गुजरती, ये जो इतना अर्सा मेरा गुजरा है शायद सिचुएशन कुछ और होती। ये हम लोग ना शुक्रे हैं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, मैं आपको आज ही मुझसे रिटन में ले लें प्रॉब्लम, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना शुक्री की वजह से, कुरान पाक में भी है। इसमें मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ, एक शख्स था बड़ा अमीर, ये बड़ा कमाल की बात है, गौर से सुनिएगा, मैं अपनी लाइफ में ना ये इस वाक्य को बार बार दोहराता हूँ, जब भी मुझे प्रॉब्लम्स आए कोई भी सिचुएशन ऐसी आए ना मैं इस वाक्य को पूरा बड़ी तरतीब से दोहराता हूँ, मेरी सिचुएशन उस वक्त ख़त्म हो जाती है, प्रॉब्लम हल, मसला हल इस लाइफ।
اب وہ کیا تھا کہ ایک شخص تھا بڑا امیر آدمی، اس کی زندگی میں بڑی خوشیاں تھیں، بہت دولت تھی، ایون دین اس کے گھر کے جو پالتو کتے تھے نا وہ بھی بڑا اچھا کھانا کھاتے تھے. اب وہ ہوا کیسے کہ حضرت موسیٰ جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے، وہ شخص روکتا ہے کہ یا موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں. تو کہا یا موسیٰ ایک اللہ سے بات تو پوچھ کے آنا. کہتے کیا؟ کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، بہت چیزیں مجھے دی ہیں، اتنی دولت دی ہے، اتنی عزت دی ہے، اتنی یہ خوشیاں دی ہیں مجھے، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ اب مجھے بس کر دیں، میری آنے والی نسلیں بھی بہت کچھ کھا سکتی ہیں، اب باقی جنہیں نہیں ملا وہ انہیں دے. اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آنا کہ اس کا کیا حل ہے کہ میری دولت یہ چیزیں یہاں رک جائے باقیوں کو ملتی رہے. کہنا چلے ٹھیک ہے میں پوچھاؤں گا. پھر آگے چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے ریت میں، بالکل ننگا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور جسم کے کچھ حصے کو نا مٹی اور ریت سے نا ڈھانپ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ اتنا غریب ہوتا ہے. تو وہ پوچھتا ہے یا موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں. کہتے ہیں یا موسیٰ اللہ سے ایک بات ضرور پوچھ کے آنا کہ لوگوں کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے، اتنا کچھ لوگوں کو ملا ہوا ہے، کچھ کسی کے پالتو کتے بھی اتنا کچھ کھا رہے ہیں، مجھے کھانے کو تو کیا، ایون پہننے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ سے یہ بات پوچھ کے آنا کہ ایسا کیا بات ہے. تو وہ حضرت موسیٰ چلے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کے واپس آتے ہیں. اب واپسی پہ وہ پہلا امیر شخص ملتا ہے. تو کہتا ہے یا موسیٰ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آئے میرا احوال حال کیا بنا، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا میرے بارے میں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تم اس طرح کرو، جو تمہاری یہ ساری دولت ہے تمام چیزیں یہیں رک جائیں گی، تم اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دو آج سے. وہ کہتا ہے یا موسیٰ کیا بات کرتے ہو، یعنی کہ انسان کسی بڑے آدمی کا کچھ نہ کر سکے، صرف شکر ہی ادا کر سکتا ہے اور کچھ. کہتا ہے یا موسیٰ میں صرف شکر ہی تو ادا کر سکتا ہوں اللہ کا، اور میں کیا کر سکتا ہوں اللہ کے لیے، صرف شکر، مجھے چیز دے دی میں شکر. کہتا ہے پھر تمہارا رزق یہ تمام خوشیاں ساری عمر ختم نہیں ہوں گی. اب پھر اس دوسرے آدمی کے پاس جاتے ہیں. اب وہ دوسرا آدمی جو ریت کے کچھ حصے سے جسم کا کچھ حصہ ریت سے ڈھانپ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس سے ملتے ہیں. کہتے ہیں یا موسیٰ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آئے میرے بارے میں؟ کہہ رہے جی میں پوچھ کے آیا ہوں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اسے کہے کہ یہ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دے. اب وہ شخص ہنستے ہوئے کہتا ہے یا موسیٰ کیا بات کرتے ہو، مجھے دیا ہی کیا ہے چیز کا میں شکر ادا کروں؟ اتنے میں ہوا چلتی ہے، وہ ریت جو جس سے جسم کا حصہ ڈھانپ کے بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی اڑ جاتی ہے. تو حضور والا گزارش یہ تھی کہ شکر چیزوں کو بڑھا دیتی ہے. اب اگر ہم شکر کریں گے نا چیزوں میں وہ اور ملے گی چیزیں. اب ہمارا لوگ باہر دیکھیں، ہم ناشکریہ کے اس طرح بنے ہوئے ہیں. یو ای ٹی میں جو لوگ نہیں آئے ان سے اہمیت پوچھیں. میں بعض دفعہ جب بھی اوبر وغیرہ پہ آؤں نا تو میں یو ای ٹی کا ایڈریس ڈالوں یہاں پہ، تو وہ سارے رستے مجھ سے پوچھتا ہے یار یو ای ٹی میں پڑھتے ہو؟ یو ای ٹی میں پڑھتے ہو؟ واہ. میں نے بھی اپنے بچے کو یو ای ٹی میں کرنا ہے یہ. ایون دین اگر بازار میں شاپنگ کرنے جائیں نا ان سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیا کر رہے ہو اسٹوڈنٹ؟ کہاں یو ای ٹی میں پڑھتے ہیں یار، یو ای ٹی میں پڑھتے ہیں. ایون دین وہ لاسٹ ٹائم ہم گئے یو ای ٹی کے فلیکس وغیرہ پرنٹ کروانے، یہ واقعہ بتا رہا تھا یہ لنک روڈ پہ، تو میں اسے پرنٹ کروا رہا تھا. تو یونیورسٹی کا بجٹ تھا تو میں نے کہا کم کریں. تو اسے بحث کروا کے نا اسے ہم نے مینیج کر لیا بجٹ. اب وہ یونیورسٹی کا نام ٹائپ کرتے کرتے آیا، یونیورسٹی کا انسٹیٹیوٹ لکھا، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور. اب وہ کہتا ہے یو ای ٹی سے ہو؟ میں نے کہا جی جی یو ای ٹی سے. اب اس نے بحث کے بعد ریٹ فائنل کیا ہوا تو اس نے کہا چلیں جی یہ جو 200 تھے 200 بھی چھوڑ دیو. اس نے مطلب کہ اتنی عزت کی. مسئلہ پتہ کیا، ہمیں چیزیں مل گئی ہم نا شکرے ہیں. میری لائف کا اپنا واقعہ دیکھ لیں، میرے کوئز ہوا، کوئز میں میرے نمبر آئے 7. اچھا مجھے، میں نے بڑی تیاری کی تھی، بڑا اچھی خاصی محنت کی، مجھے بڑا غصہ آیا کہ 7 نمبر آئے، یہ کیسے ہو گیا، ایک لڑکے کے 8 آ گئے. اچھا جی اب میں ناشکری کرتا رہا. سر نے دوبارہ کوئز منگوایا، دوبارہ 2 چیک کرواؤں. اچھا جی کوئز چیک کیے، وہ 7 سے 5 ہو گئے. اب مجھے اس وقت احساس ہوا، اس وقت جب مجھے یہ باتوں کا پتہ چلا تو میں نے اس دن سے یہ سچویشن دیکھی کہ ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ یار شکر ادا کرنے کے پیمانے سے دیکھنا چاہیے. اور اگر ہم شکر ادا کرنا شروع کر دیں زندگی کی ہر ایک پرابلم، کسی کو اگر کوئی غریب ہے کسی کے دیکھیں، یہ ایک بڑا کامن سا فیکٹ ہے کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں. ہم لائف میں پرفیکشن چاہتے ہیں کہ یار ہماری لائف پرفیکٹ ملے، ہمیں ہر چیز میں پرفیکشن ملے. لائف میں پرفیکشن نہیں ملتی. اگر آپ سیٹسفائی ہو جائیں، آپ کہیں گے آئی ایم اوکے ود اٹ، تو لائف پرفیکٹ ہو جائے گی آپ کو. یہ مین چیزیں تھیں. اب اسی دوسری اینگل سے چیزوں کو دیکھیں کہ یو ای ٹی میں آپ آ گئے ہیں، سیٹل ہو گئے ہیں، بالکل یہ ہے. تو یہاں نا بعض لوگ احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں. میں دوسرے پہلو کی طرف آ رہا ہوں، احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں آنے کے بعد. نہیں یار وہ بیسٹ ہے مجھ سے، وہ اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، بی اے ہیرو اف ناٹ فار ادر دین فار یور سیلف. یہ بڑی آپ انسان کے اندر نا، ہر ایک انسان کے اندر ایک ٹیلنٹ چھپا ہوا ہوتا ہے. کبھی خود کا محاصرہ کیا آپ نے، احتساب کیا خود کو بٹھا کے؟ ہر انسان کے اندر ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے. یعنی کہ جو گاڑی ہے وہ گاڑی وہ اپنے کام میں چلے گی بڑی بیسٹ چلے گی. ہر انسان کے اندر اپنا ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے. ایکسپلور کرنے کی بات میں آپ کو اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ واقعہ سے باتیں بڑی کلیئر ہو جاتی ہیں. اچھا جی یہ شاہ صاحب نے لکھا ہوا واقعہ، انہوں نے بیان کیا تھا. تو
तो कह रहे हैं कि ना हम बैठे हुए थे अपने अंकल के साथ, पंचायत गांव से कोई बिलोंग करता हो पता होगा, पंचायत वगैरह होती है, बैठते हैं 5-6 लोग और पंचायत होती है। वहाँ पे ना पंचायत में ना 2 लोगों की लड़ाई हुई थी, 2 ग्रुपों की। उनकी सुलह के लिए उन्हें बुलाया हुआ था, और सुलह के लिए 2 ग्रुप, एक ग्रुप यहाँ दाएँ तरफ बैठा हुआ था, दूसरा बाएँ तरफ बैठा हुआ था, और सुलह के लिए बैठे हुए थे। और मेरे जो अंकल थे वो कह रहे थे कि वो फैसला करवाने वाले थे दोनों के। अब मेरे एक ना बड़ा पतला सा शख्स था दूसरी तरफ बैठा हुआ था। अच्छा, एक और बड़ी कॉमन फैक्ट है गाँव में, जब सुलह के लिए आए ना तो असला वगैरह नहीं लाया करते कोई साथ, तो ये ना बड़ा ऐब समझा जाता है कि असला सुलह भी करने आया है, साथ असला भी लेके आया लड़ाई करने के लिए, तो ये बड़ी बुरी बात समझी जाती है। तो वो कहते हैं कि ना कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि मैं बैठे हुए थे तो मेरे अंकल मुझे कह रहे थे कि इस जो आदमी बैठा हो ना पतला सा, बिल्कुल कमज़ोर सा पतला सा आदमी, मुझे कह रहे थे इसके पास असला है। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई कि अंकल को कैसे पता कि असला है। अच्छा, फिर थोड़ा वाक्य चलता रहा, बात चलती रही, फिर उन्होंने मुझे कहा कहता है इनके पास असला है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि आपको कैसे पता इनके पास असला है। अच्छा, फिर इस तरह हुआ, दोनों की सुलह ना हुई, आपस में दोनों की लड़ाई होगी और उसने असला निकाल के फायर कर दिया, सब लोग भाग गए। फिर मैंने अपने अंकल से पूछा कि आपको कैसे पता है इसके पास असला है। कह रहा है कि मुझे इस तरह पता चला कि ये ना, जिस तरह ये तेज़ ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था कर रहा था ना, ये इतनी सेहत थी, इतना ताकतवर था कि जो लड़ सकता ना, कुछ और था, मुझे पक्का पता था इसके पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी बिना पे ये बोल रहा है, उसके पास असला था बोल रहा था। ये मैटर फैक्ट करते हैं, हर इंसान में कोई ना कोई छिपी हुई चीज़ लाजमी होती है, वो अपने टैलेंट निकालें, हर शख्स डिफरेंट होता है, वो टैलेंट निकाल के लोगों के सामने रखें, फिर आप एक यूनिक बनेंगे। अगर छुपे रहेंगे सारी उम्र एक बंद बक्से की तरह पड़े रहोगे तो यार ये 4 साल गुजर जाएंगे। ये यूनिवर्सिटी का वो पीरियड है कि जहाँ आपको डेवलपमेंट के लिए मिलते हैं। मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैंने यहाँ से शुरू किया, मैं 3 दफ़ा गोल्ड मेडल ले गया, मैं कहाँ एम्बेसडर गया, मैं कहाँ कहाँ गया, और ये तमाम चीज़ें साथ की, भाई 4 साल गुजर गए, किसी ने नहीं कहना दोबारा गया, एमएस हो गया, जॉब गया, लाइफ बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप चीज़ों को लेते कैसे हैं। और ये वही वाली चीज़ें कि तमाम चीज़ें परफेक्ट नहीं होती अपनी लाइफ में, हम परफेक्शन की ढूंढते रहते हैं, यार ये लाइफ परफेक्ट हो जाए, ये आ जाए, ये आ जाए। अच्छा, मैं थोड़ा आगे जाने से पहले आप लोगों से कुछ पूछना चाहूँगा, अगर किसी का क्वेश्चन है अभी तक अपनी लाइफ में, यानी कि जो लग रहा हो यार ये ऐसा क्यों हो रहा है कोई भी, तो मैं थोड़ा उस पर बात क्लियर करना चाहूँगा। कोई भी शख्स पूछ लें अपनी लाइफ के बारे में, आज तक जो सवाल हो लाइफ में, यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, कोई भी सवाल कोई पूछे। क्योंकि देखिए ये वे है, एक हमारे यहाँ ना बड़ा मैटर करता है कॉन्फिडेंस, या यूईटी में आने के बाद और बड़े दूसरी यूनिवर्सिटी में तो डेवलप कर देते हैं, मगर यूईटी में कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी रहती है, तो ये डरते रहते हैं यार नहीं मैंने नहीं करना, मैंने नहीं करना, ये नहीं करना, तो ये बड़ा फैक्ट है। आप में से कुछ सवाल, क्यों आपका लाइफ में कुछ सवाल हो, कुछ भी यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं, किसी भी से ले रहे हैं चीज़ से, जो लगे यार सारी उम्र एक ना कांटे की तरह खटक रहा हो दिल में, सोच लें। ये ना लाइफ की बड़ी कंटिन्यूटी अगर चलती रहे ना मुसलसल, तो इसमें आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है डेवलपमेंट में। तो 2 मिनट हैं, सोच लें आपके पास। आई होप के सवाल होंगे, सवाल लाजमी होते हैं, 24 घंटे इंसान के दिमाग में गर्दिश कर रहे होते हैं, मगर वही मसला है कि हाल देखते हुए। हाँ जी, सही सही, बस लेकिन क्या कन्फ्यूजन रहती है लाइफ में कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे लोग किस तरह देख रहे हैं, ये वाली चीज़ें। अच्छा, ये वाकई एक बड़ा ना कॉमन सा सवाल है, जैसे मैं कह रहा था एहसास कमतरी का शिकार रहना, कॉन्फिडेंस नहीं होता यार मैं सही लग रहा हूँ या नहीं, अगर वो गया अब मैं पता नहीं सही लग रहा हूँ या नहीं। अच्छा, बाज़ लोग इसमें इतना हो जाते हैं एहसास कमतरी में, खुद को सही लगने में। मैंने देखा ना, मेरे जो मैं था गवर्नमेंट कॉलेज में था, तो वहाँ लड़का था मेरे साथ, वो अपने साथ ना एक मिरर लेके आता था शीशा, 24 घंटे देखता मैं सही लग रहा हूँ, मैं सही लग रहा हूँ, सही लग रहा हूँ। यार ये चीज़ें आपको बड़ा ना रोक के रखती हैं। अब आप इन पे काबू कैसे पा सकते हो, एक दिन आज़ाद होकर निकलो, मैं जैसा लग रहा हूँ बिल्कुल ठीक लग रहा हूँ, यूँ आज़ाद होकर निकलो बिल्कुल। मैंने ना अपनी लाइफ में चीज़ों से डील कैसे किया, मैंने उनको फेस करते हुए डील किया। देखिए, आपको जिस चीज़ से डर लग रहा है ना, अगर उसको बाई फेस इस तरह अपने सामने यूँ रख के फेस करेंगे, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। किस तरह मुझे ना बचपन में ये जो मुझे बताया गया कि ना ये जिन भूत वगैरह ये चीज़ें, मुझे ना डर लगने लग गया इनसे। ये कोई मैं था 7th या 8th क्लास में था, तो मुझे उस दिन से मैंने ये बात सीखी कि मुझे बताया मैंने हमारे ना बुजुर्ग बैठे हुए थे बातें करते हुए, वो कह रहे हैं अगर चीज़ों को फेस करोगे ना चीज़ें वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए पता क्या चीज़, कोई चीज़ छुपी हुई हो ना, ये अपनी कॉमन लाइफ से भी देख लें, तो आपको बड़ा तजस्सुस रहेगा यार ये कैसा है, ये कैसी है, ये कैसी है। कोई जब वो खुल के सामने आ जाए ना चीज़, फिर तजस्सुस नहीं रहता इतना खास।
اب مسئلہ یہ تھا کہ مجھے نا ڈر بڑا لگتا تھا یہ اسی طرح آپ بتا رہے ہو، میں اپنی اس دوسری ایگزامپل سے دے رہا ہوں، تو جن ثبوتوں سے، تو انہوں نے کہا فیس کرو. اب میں اس فیس کرنے کے لیے کیا تھا، رات کو 8-9 بجے ٹیرس پہ چلا جاتا تھا اکیلا. اچھا اب گھر والے کہتے تھے پاگل ہو گئے کیا ہے آدھی رات کو ٹیرس پہ چلا جاتا ہے. میں نے کہا نہیں آج آ کے دکھائے کون ہے کون سا ہے. میں نے انہیں بار بار جاتا رہا تو مجھے واقعی ڈر نہیں لگتا، مجھے اسٹیج پہ آنے سے ڈر لگتا تھا. تو میں نے یہی بات سوچی کہ یار یہ مجھے تھا 3 یا 4 کلاس میں تو مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا. پھر میں 7th-8th میں آیا نا تو مجھے نا عجیب لگتا یار اسٹیج پہ یہ وہ. تو میں نے کہا اسے فیس کرتے ہیں. میں بار بار آتا رہا اب بالکل ایزی ہو گیا. یہ چیزیں آپ کی ڈریسنگ ایک دن خود کے لیے جو انسان ہے نا، پتہ کیا انسان کی لائف کی پرابلم کیا ہے، ہم ہمیشہ دوسروں کے لیے لگے رہتے ہیں یار وہ کیا کہے گا وہ کیا کہے گا. ایک دن تو اپنے آپ کے ساتھ گزار کے دیکھو یار، اپنے یعنی کہ انسان اپنے آپ کی ذات سے مخلص نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کرتا ہے دوسروں کے لیے کام. ایک دن اپنے لیے جی کے دیکھو، جس میں آپ کو لگے نا میں پرفیکٹ ہوں بالکل، اس دن نکل کے دیکھو یار آج میں نے خود کے لیے تیار ہوں، خود نکلا ہوں. اور بالکل اور کوئی بھی شخص نا اگر پیارا بھی لگ رہا ہے، میں تو سمپل سی مثال دے رہا ہوں، اس میں نا اگر کانفیڈنس ہے وہ چل نہیں رہا، وہ پراپر پتہ نہیں چلے گا. اگر آپ نے کچھ کم بھی ہے نا مطلب کہ چیزوں میں، تو اگر کانفیڈنس سے چلو گے لگے گا یار یہ بالکل پرفیکٹ ہے. اٹریکشن بڑی میٹر کرتی ہے لائف میں، چیزوں میں، ہر چیز میں اٹریکشن بڑی میٹر کرتی ہے. اب آپ کے یہ ہے کہ اگر آپ چیزوں کو فیس کرو گے نا جا کے، کل سے ایک دن سے لے لو، ابھی 4 سال ہیں آپ لوگوں کے، 4 سال سے ڈیولپمنٹ شروع کر دو، یہ 1-2 سال لگیں گے بالکل پرفیکٹ ہو جاؤ گے. یونیورسٹی میں آنے کے بعد یہی تو چیزیں ہیں جو چینجنگ کرنے والی ہیں آپ میں. اور کوئی سوال؟ اب تم نے لائف میں جا کے ان چیزوں کو فیس کرنا ہے اپنے جا کے آگے. کوئی میم کوشچن سب کے پاس ہیں، مسئلہ وہ صدیوں سے انسان کے مائنڈ میں یہ والے. تو میں یہی کہہ رہا تھا بالکل ایزی ہو کے سمپل ہو کے بیٹھے یار، فارمل شارمل چھوڑیں سب کچھ، بالکل ایزی ہو کے. یہ دوبارہ ٹائم نہیں ملے گا، دوبارہ کوئی آ کے یہ